जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत होली के जड़ौता गांव के चैन सिंह को परियोजना निर्माण की कीमत अपने आशियाने को उजाड़ कर चुकानी पड़ी है। बता दें कि होली बजोली जल विद्युत परियोजना की टनल से भारी मात्रा में पानी रिसने तथा बड़ी बड़ी दरारें आने से चैन सिंह का मकान जर्जर हो चुका है, जिसके चलते उन्हें अपना रिहायशी मकान खाली करना पड़ा है। चैन सिंह के बेटे सुरेंद्र कुमार का कहना है कि उनका परिवार बिना घर के अब टेंट में रातें गुजारने को मजबूर है। उनका कहना है कि कंपनी प्रबंधन मात्र आश्वासन ही दे रहे हैं। सुरेंद्र कुमार ने कंपनी प्रबंधकों से मांग की है कि उनकी जितनी भी जमीन व घर परियोजना की टनल रिसाव के चलते तबाह हुई है, उनकी जगह जमीन और घर मुहैया करवाया जाए। कुमार है, मेरे फादर का नाम श्री चैन सिंह है, मैं जड़ौता गांव होली पंचायत का निवासी हूँ। एक्चुअली मैं अभी कुछ दिनों से हमारे घर के नीचे रिसाव होना स्टार्ट हो गया सर, जिसकी वजह से मेरे सेब के बगीचे और मेरे घर में काफ़ी नुकसान हो गया है, जिसमें ऑलमोस्ट मेरा 90-95% घर हमारा डैमेज हो चुका है। जो आप देख ही सकते हैं कि हमारे काफ़ी घरों में दरारें आ गई है और नीचे हमारा जो सेब का बगीचा वो पूरी इसकी लैंडिंग मतलब स्टार्ट हो गई है। बट हम प्रशासन के पास भी गए हैं, उनसे हमने गुजारिश भी करी थी, कल ही मैंने गुजारिश करा था कि हमारा जल्द से जल्द कुछ समाधान निकाले, तो प्रशासन तो अभी कोई ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रही है कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, आप रहो, आप सामान रखो, हम आपको शिफ्ट कर देते हैं, मीन्स आप फिलहाल के लिए आप रह रहे हो टेम्परेरी बेसिस पे, बट कोई टेम्परेरी बेसिस कोई सोल्यूशन नहीं है। वो हमारा घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है, ये आशियाना हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है, तो हम इसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो मेरी कंपनी और प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारा जल्द से जल्द समाधान निकाले, हमारा घर और हमारी ज़मीन और जिसका भी जो भी नुकसान हो उसकी प्रॉपर भरपाई करें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर।